हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलनेस एंड ब्यूटी। आई एम शबाना। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुकुम्बर से हम घर पे ही कैसे टोनर बनाएं। फ्रेंड्स, ये टोनर जो है पिंपल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपकी अगर स्किन जो है सन टैन हो चुकी है या आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ये आपको फेयर बनाने में भी बहुत मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कुकुम्बर, ग्लिसरी, गुलाबरी, डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर, और मैंने लिया है ग्रीन लीफ का एलोवेरा जेल, और एक कैप्सूल विटामिन ई की कैप्सूल। ये आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगी। कुकुम्बर टोनर बनाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, टोनर हमारी स्किन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि टोनर क्यों यूज़ किया जाता है, या कुछ लोगों को पता होता है कि हमको फेस वॉश करने के बाद बस टोनर लगाना है या नहाने के बाद टोनर लगाना है, बट ये नहीं पता होता है कि ये क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए। टोनर के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट होता है जो हमें पता ही नहीं होता है कि ये हमारे स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन को कितना फ़र्क पड़ता है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टोनर बनाना भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि टोनर हमारे स्किन के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुकुम्बर को अच्छी तरह से धो लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद हम किसनी की मदद से इसको कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है किसनी की मदद से। अब इसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसको हम छन्नी की मदद से अच्छी तरह से पूरा इसका रस निकाल लेंगे, इसका जो जूस है वो हम पूरी तरह से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसका हमने अच्छी तरह से जूस निकाल लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें रोज़ वाटर डालेंगे। रोज़ वाटर आपको 3 टेबलस्पून डालना है। फ्रेंड्स, उसमें हम अब एलोवेरा जेल मिलाएंगे। मेरे पास ये ग्रीन लीफ का एलोवेरा जेल है, 1 चम्मच हम उसमें एलोवेरा जेल मिलाएंगे। एक छोटा चम्मच हमको एलोवेरा जेल मिलाना है। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद हम डालेंगे विटामिन ई की कैप्सूल। इसके सिर्फ 2 ही ड्रॉप, 1 या 2 ही ड्रॉप आपको डालना है, 1 और ये 2 ही ड्रॉप मैंने डाले हैं, 2। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जो है ग्लिसरीन ऐड करी हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 1/2 ही चम्मच इसमें ऐड करें। इन सारी चीज़ों को हमको अच्छी तरह से मिला लेना है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक स्प्रे बॉटल है। अभी सारी ये टोनर को मैं स्प्रे बॉटल में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक स्प्रे बॉटल में इसको डाल दिया है। अभी सारी चीज़ों को हमको अच्छी तरह से शेक कर लेना है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें
तो आप इसको अच्छी तरह से शेक करें और फिर उसके बाद अपने फेस पे स्प्रे करें और डैप डैप मोशन में इसको अप्लाई करें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा टोनर बन के तैयार है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कि टोनर लगाने के फायदे क्या होते हैं। टोनर हमारे लार्ज और ओपन पोर्स को क्लॉग करने में बहुत मदद करता है। ये हमारे स्किन के पोर्स को क्लोज करता है जिसमें बहुत ज़्यादा डर्ट या गंदगी जमा हो जाती है, तो वो स्किन से हमारी गंदगी और वो डर्ट को निकालने में भी बहुत मदद। जो गंदगी और जो डर्ट हमारे स्किन में चला जाता है, टोनर्स को साफ करता है और उसको गंदगी को और डर्ट को हमारे स्किन से निकाल देता है। ऑयली स्किन वालों के लिए टोनर बहुत ही अच्छा है क्योंकि जितना भी एक्सेस ऑयल है उसको ये ड्राई आउट कर देता है। ऑयली स्किन वालों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो ये टोनर इस्तेमाल करने से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको ये ड्राई आउट कर देता है और ड्राई आउट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करके रखता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है। क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स या फिर बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं तो हमारा स्किन का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन नहीं रहता है, तो ये टोनर जो है हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन रखता है। फ्रेंड्स मार्केट में जो है बहुत बहुत ज़्यादा महंगे टोनर मिलते हैं, ये घर पे आपने देखा हमने कितने इजीली इसको बनाया है, बहुत होममेड कुकुम्बर टोनर आज मैंने आपको बताया है और ये पिंपल्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्पेशली समर सीज़न है, अभी जो है समर सीज़न स्टार्ट ही होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।